हेलो दिस इज़ डॉक्टर नीरज सिंह फ्रॉम श्रोमैना केयर और आज हम बात करेंगे डाइट की हेयर लॉस की डाइट की तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जो डाइट है वो इम्पोर्टेंट क्यों है व्हेन इट कम्स टू हेयर ग्रोथ यानी हेयर ग्रोथ के लिए डाइट की क्या इम्पोर्टेंस है तो ये भी जानना इसमें ज़रूरी है कि जो हेयर सेल्स हैं देर आर द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स इन आर बॉडी मतलब जो हमारे बॉडी uh, में फर्स्ट है जो बहुत तेजी से ग्रो करते है, वो हैं वो है इंटरस्टिनल सेल्स और सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स आर हेयर सेल्स और ऊपर से देर आर रफली वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड हेयर्स हमारे स्कैल्प पे देर आर वन थाउजेंड ट्वेंट वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड हेयर्स ऑन योर स्कैल्प और एट अ टाइम सभी को नरिशमेंट चाहिए रहता है ग्रोथ के लिए सो इट इज़ अ टफ जॉब कि पहले तो तेजी से ग्रो हो रहे हैं और ऊपर से इतने ज़्यादा हैं सो इट्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ नरिशमेंट दे नीड इन ऑर्डर टू ग्रो लेकिन इस पर एक चेक है बिकॉज हेयर इज नॉट अ वाइटल ऑर्गन बाल जो हैं बॉडी के हिसाब से एक वाइटल ऑर्गन नहीं है इसीलिए बॉडी क्या करती है ये कभी भी बालों की न्यूट्रिशनल नीड को प्रायोरिटाइज नहीं करती है सो so, एक तो ड्यू टू हेयर एक्सपेंडेबल नेचर और दूसरा बॉडी नॉट प्रायोरिटाइजिंग न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ हेयर जो न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हेयर लॉस के फॉर्म में शो करता है तभी कहा जाता है कि हेयर आर द इंडेक्स ऑफ बॉडीज़ हेल्थ जो बाल हैं हमारे वो हमारी हेल्थ कैसी है उसका सबसे मेजर इंडेक्स होते हैं बिकॉज इट इज़ फिजिकली विजिबल टू अस तो जैसे ही बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस होती है होता है हेल्थ पे कोई भी इम्पेयरमेंट uh, होता है तो इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम विजिबल इन हेयर एक और चीज़ जानना जरूरी है यहाँ कि चाहे वो डेफिशिएंसी हो चाहे वो एक्सेस हो जो हमारी डाइट में जो हमें माइक्रो न्यूट्रियस और मैक्रो न्यूट्रियट्स हमें खाने होते हैं अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हैं या ज़रूरत से कम हैं दोनों ही कंडीशंस में हेयर लॉस हो सकता है जैसे कि अगर आयरन और फेरेटिन जो कि स्टोर्ड आयरन होता है हमारी बॉडी का अगर ये हमारी बॉडी में कम है अगर इसकी डेफिशिएंसी है आयरन डेफिशिएंसी है तो हेयर लॉस देखा गया है और अगर विटामिन ए ओवर हो जाता है यानी ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन ए है हमारी बॉडी में हम इनजस्ट कर रहे हैं तो भी हेयर लॉस होगा तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब भी आप किसी चीज़ का इंटेक कर रहे हैं तो ना वो एक्सेस होना चाहिए और ना ही उसकी कमी होनी चाहिए जो एक रिकमेंडेड डेली अलाउंस है यानी एक दिन में जिस भी न्यूट्रिएंट की जितनी आवश्यकता है अगर हम उससे बहुत ज़्यादा अधिक या बहुत ज़्यादा कम लेंगे तो न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस uh, होने लगता है और वो हमारी बॉडी में तरह तरह से विजिबल होता है और हेयर क्योंकि एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन नहीं है लेकिन फिजिकली uh, हम उसको देखते हैं तो वो जो इम्पेयरमेंट है वो हमको विजिबल होता है हेयर लॉस के तरीके में या हेयर थिनिंग के तरीके में अब दूसरा क्वेश्चन आया कि हेयर हेल्दी डाइट का मतलब क्या है अब हेयर हेल्दी डाइट का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो बाकी हेल्दी डाइट बाकी फॉर्म्स में हेल्दी डाइट हम ले रहे हैं वो हमारे बालों के लिए भी अच्छी है क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो हेल्दी डाइट जिसको हम समझते हैं दैट इज दैट डज नॉट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स नीडेड फॉर ऑप्टिमम हेयर ग्रोथ एंड हेयर हेल्थ जैसे दीज इंक्लूड्स डाइट्स दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड सैलड्स अब जैसे ये तो एक हेल्दी डाइट है कि हमारी डाइट का मेजर पोर्शन फ्रूट्स है वेजिटेबल्स है और सैलड है लेकिन इस डाइट में देअर इज मिनिम अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड कैलरीज तो ये डाइट हमारे बालों की हेल्दी बालों के लिए अच्छी नहीं है और अगर हम देखें कि अगर हमारी डाइट बहुत ज्यादा रिच है प्रोटीन में फैट्स में वेन देर आर नो और फ्यू कार्बोहाइड्रेट्स तो भी ये बालों के लिए डाइट अच्छी नहीं है सो so, हमारे जो हेयर सेल्स हैं और वैसे भी ऑल द सेल्स थ्रू आउट द बॉडी एक बैलेंस चाहिए उनको प्रोटीन्स का कॉम्पेक् कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का आयरन का विटामिन्स का मिनरल्स का तो उनको फंक्शन फंक्शनिंग बेस्ट फंक्शनिंग के लिए देयरफोर इट इज़ नेसेसरी कि हम एक बहुत प्रॉपर डाइट लें फॉर ब्रेकफास्ट एंड लंच और बाकी सब चीज़ों के लिए देर शुड बी अ बैलेंस ओके तो ये कैसे बैलेंस हम बना सकते हैं वी विल डिस्कस वन बाय वन न्यूट्रिशनल जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज जो आपके बालों का जो पोटेंशियल है फॉर ग्रोइंग हेल्दी फॉर लुकिंग ब्यूटिफुल वो कम्प्लीट करते हैं सो फर्स्ट लेटस टॉक अबाउट ब्रेकफास्ट सी ईटिंग ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ दफ़ द डे फॉर योर बॉडी और हम यहाँ बात कर रहे हैं हेयर की तो फॉर योर हेयर जो हमारी एनर्जी होती है वो लोएस्ट होती है मॉर्निंग में जब हम सो के उठते हैं उसके कुछ देर तक जब तक हम खाते नहीं हैं सो ईटिंग अ बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट और स्पेशली अगर उसमें प्रोटीन्स हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो जो है हमारे हेयर हेयर की ग्रोथ को एक न्यूट्रिशनल बूस्ट प्रोवाइड करता है सो यू शुड ऑलवेज हैव अ न्यूट्रिशनल वेल बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट जिसमें प्रोटीन्स हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं एडिक्वेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू हैव योर ब्रेकफास्ट इन ऑर्डर टू हैव अ वेरी हेल्दी बॉडी एंड अ हेल्दी हेयर नेक्स्ट इज हाइड्रेशन नाउ व्हाट इज़ हाइड्रेशन यानी हम हमारी बॉडी में जो वाटर का अमाउंट है जो कंटेंट है वाटर का वो एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए हमारी बॉडी के लिए बॉडी हेल्थ के लिए और हेयर हेल्थ के लिए तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक अप्रॉक्सीमेटली टू पॉइंट फाइव टू थ्री लीटर्स ऑफ वाटर अ डे लेकिन ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो एक्टिविटी लेवल है वो कैसा है और आप जिस क्लाइमेट में रह रहे हैं वो कैसा है जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा आउटडोर पर्सन हैं या फिर आपका काम जो है वो फील्ड वर्क है या आप वर्कआउट करते हैं सिर्फ़ फॉर टू टाइम्स अ डे मॉर्निंग में इवनिंग में दैट्स uh, अगर आप बहुत ज़्यादा आप वर्कआउट कर रहे हैं या फिजिकली बहुत एक्टिव हैं सो दैट आपकी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है देन यू नीड टू योर वाटर इनटेक एट द सेम टाइम अगर आप ह्यूमिड क्लाइमेट में रह रहे हैं और हॉट क्लाइमेट में रह रहे हैं सो दिस परस्परेशन इंक्रीजेज तो बॉडी से वाटर uh, लॉस बढ़ जाता है जिस कंडीशन में आपको उसे पूरा करने के लिए अपना वाटर इंटेक बढ़ाना पड़ेगा सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट योर स्कैल्प जस्ट लाइक योर स्किन कैन बिकम डिहाइड्रेटेड जैसे कि हम तो स्किन देखते हैं कि इट इज़ गेटिंग डिहाइड्रेटेड लेकिन हमारा स्कैल भी होता है And therefore, environment growth ka jata hai. There is poor growing environment, and that leads to hair loss. So this is very important. Water is the second most important thing you should pay attention to. Now is next uh, because we are having three complete meals in a day, and apart from that, we usually have snacks in between. So these snacks should be healthy. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो एनर्जी होती है हमारी वो ड्रिप करती है मील एक मेजर मील के बाद तो जो बीच में है यू शुड इनपुट सम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एज फ्रूट वेजिटेबल होल मील ब्रेड या फिर इसी फॉर्म में बट अवॉइड जूसेस अवॉइड फ्रूट जूसेस योर डाइट शुड इंक्लूड इनफ ऑफ प्रोटीन हमारा जो हेयर है वो प्राइमरीली प्रोटीन से बना हुआ है इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इनको प्रोटीन्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें बिकॉज इट इज़ वेरी वाइटल टू हेयर ग्रोथ वी सजेस्ट ईटिंग अ पोर्शन ऑफ हाई प्रोटीन डाइट विद ब्रेकफास्ट एंड लंच जैसे फिश चिकन लीन मीट आप ले सकते हैं एग्स ले सकते हैं बीन्स ले सकते हैं किनोआ ले सकते हैं अमेरेंथस ले सकते हैं टोफू यू कैन हैव लेग्यूम्स यू कैन हैव यू कैन हैव स्प्राउट्स यू कैन हैव नट्स देर इज सो सो वास रेंज, बट यू शुड हैव एरिकुएट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट एंड दैट टू इन ब्रेकफास्ट एंड लंच यू शुड ईट मिनिमम अमाउंट ऑफ और सेलेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इन योर डिनर बेटर इट शुड भी इन ब्रेकफास्ट एंड लंच

there is that is important that you should have proper iron intake within your diet yahan pe dhyan dene wali zarurat ye hai ki agar aapke andar iron deficiency hai if you are having iron deficiency then you have to add some iron nutritional supplement to your diet agar ye nahi ho sakta ki aap केवल उसी से डाइट से ही पूरा कर paaye तो it is very important that you should have a supplement for some time सो दैट जो बॉडी है अपनी नीड्स को रिप्लेनिश कर ले अपने स्टोर्स को रिप्लेनिश कर ले एंड एंड आफ्टर दैट यू कैन मेनटेन द स्टोर्स फ्राम हैविंग डाइट फ्राम योर हैविंग आयरन रिच डाइट एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट आयरन इज दैट आयरन कैन ओनली बी एब्सॉर्ब इफेक्टिवली इफ यू आर इंजेस्टिंग इट अलोंग साइड विटामिन सी यानी आयरन जो है हमारी बॉडी तभी अच्छे से एब्जॉर्ब करती है अगर हम विटामिन सी के साथ इसको ले रहे हैं जैसे आप ऑरेंज फ्रेश और फ्रेश ऑरेंज ले लें ले या कोई भी uh, जैसे फेवरेट आपका जो फ्रेश फ्रूट है वेजिटेबल्स है बेसिकली अगर सिट्रस है तो इट विल अपटेक योर आयरन एंड टेक इट विल अपटेक योर एब्जॉर्बन ऑफ आयरन एंड टेक सो अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है यू कैन गो फॉर अ ग्लास ऑफ लेमन वाटर अलॉन्ग विद

इफ़ यू आर हैविंग डैंड रफ तो थोड़ा सा अवॉइड करिए अगर या सोरियाटिक स्कैल्प uh, है तो आप डेयरी को अवॉइड करिए बिकॉज कई बार है ये डेरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो स्किन कंडीशंस को ट्रिगर uh, करते हैं या फिर इंक्रीज कर देते हैं तो फिर उस टाइम क्या होता है आपको uh, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं बट बी वेयर कि आप जो है डेयरी प्रोडक्ट्स जो है फुल क्रीम और एक्सेस ऑफ चीज एक्सेस ऑफ बटर ना लें बिकॉज इट इवेंचुअली एक लॉन्ग रन में दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ तो इट शुड बी लाइक कॉटेज चीज देन स्किम्ड मिल्क और टोन्ड मिल्क एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बटर मिल्क दीज ऑल आर गुड थिंग्स यू कैन हैव एंड यू कैन हैव कर्ड अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम सो ये जो हमने बात की है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईट अ वेरी डाइट आपको Uh, हमेशा अपना जो डाइट मेन्यू है वो बदल बदल के खाते रहिए सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट डेट यू प्लान योर मेन्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट से यू प्लान अ मेन्यू फॉर अ वीक एक वीक के लिए आप मेन्यू प्लान करेंगे तो आपको एट उसी समय कोई भी चीज़ uh, चूज़ करने की जो एक जद्दोजहद होती है वो आप उससे uh, बचे रहेंगे बिकॉज यही वो मोमेंट्स होते हैं जब आप प्लान जब आप कुक करते हैं Which is not nutritious and eventually your health suffers. So, try not to choose the same meals or foods every day. Eat a varied diet, which will help you uh, getting a wide range of essential vitamins and minerals, and that will keep your health optimum. And eventually, your hair will be shiny, healthy, and nice, bouncy. So, keep uh,